देश के अंदर पत्रकारिता को चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन पत्रकारों के साथ में अगर अन्याय हो तो उसके ऊपर आखिरकार कार्रवाइयां क्यों नहीं की जाती। हाल ही में एक मामला दौसा जिले के बांदीकुई से सामने आया है, जिसमें आप सभी को बता दें कि पत्रकार मनोज गोलिया के साथ में मारपीट की गई है। वह एक आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं और साथ ही उनके साथ में ये जो मारपीट की गई है इसको लेकर के आज हमारे साथ में स्टूडियो में पत्रकार करतार सिंह मौजूद हैं। उनका स्वागत तो हम करेंगे ही, और साथ ही इसमें जो पत्रकार लगातार असुरक्षित देश के अंदर है इस पर भी उनसे बातचीत करेंगे। तो करतार जी, इस मामले को लेकर के आप किस प्रकार से देखते हैं, सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए पुंकित जी, सबसे पहले मैं आपके न्यूज 19 चैनल का धन्यवाद दूंगा कि इस डिबेट में मुझे बिठाया, और आपको पता है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार है बिल्कुल, और लगातार पत्रकारों के साथ मारपीट की जा रही है और गाली गलौज की जा रही है, अभद्रता की जा रही है, जो कि यानी एक अपने आप में सोचने का विषय है। और सरकार को भी सोचना चाहिए कि अगर मान लो देश के चौथा स्तंभ के साथ इस तरीके का बर्ताव किया जाएगा, मारपीट की जाएगी, तो आखिरकार आवाज कौन उठाएगा? आम आदमी की आवाज कौन उठाएगा? सरकार की आवाज कौन उठाएगा? विपक्ष पार्टी की आवाज कौन उठाएगा? अब आप बात कर रहे हैं बांदीकुई की, तो बांदीकुई में मनोज गोलिया जो पत्रकार है वो काफी समय से एक कटला है, जो यानी जो अवैध निर्माण के रूप में है, अवैध जगह पे वो बना हुआ है। अगर कभी दस्तावेज में देखा जाए तो जमींदार के नाम बोलता है, तो कभी नगर पालिका के नाम बोलता है। उसी कटले की खबर लगातार पत्रकार मनोज कर रहा है, और उन्होंने आरटीआई के माध्यम से भी यानी दस्तावेज निकाले कि वो पूरी जगह अवैध है। सबसे पहला सवाल और निशानी सवाल नगर पालिका पे खड़ा होता है कि जब वो नगर पालिका की जमीन कागजों में दिखाई जा रही है तो अभी तक इस निर्माण को क्यों नहीं तोड़ा? बिल्कुल, जब पत्रकार ने कुछ समय पहले भी इन खबर को उठाई थी, इस खबर आवाज भी उठाई थी, उसके बावजूद भी यानी पूर्व में भी इसके साथ मारपीट की गई थी जो पत्रकार मनोज गोलिया के साथ, उसी पुराने रंजिश को देखते हुए मनोज ने फिर इस खबर को उठाई और आज उसके साथ आपको पता है कि किस तरीके से मारा गया, पीटा गया, घसीट घसीट के मारा गया और यहाँ तक अपहरण कर लिया। खुद की निजी यानी जो जमीन है, जो कॉम्प्लेक्स जो अवैध जगह पे बना हुआ है, उस कटले के अंदर यानी पत्रकार को ले जाकर बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट करना, ये दबंगाई कहोगे नहीं तो क्या कहोगे? सबसे बड़ा सवाल मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस सरकार और कांग्रेस सरकार का विधायक जो बांदीकुई में जो विधायक है वो गजराज खटाना है, जो विधायक कांग्रेस का है, सरकार कांग्रेस की है, और जिन पत्रकार जो पत्रकार मनोज गोलिया है जिसके साथ जो मारपीट की है वो गुजर, बिल्कुल आपको पता है सरेआम खुले में यानी वहां की जो बांदीकुई के जो स्थानीय जो दबंगाई जो दादागिरी जो मचा रखी है, वो गुजर खुद अपने आप को कहता है कि विधायक का मारा है, और थाने में तेज सिंह नाम का एक सब इंस्पेक्टर पुलिस वाला है, उनका भी नाम खुल के लोग लेते हैं। क्यों भाई, जब इन लोगों का नाम लिया जाता है तो कहीं कहीं तो इनकी यानी सरणी बदमाशों को दे रखी होगी ना, तभी तो एक दूसरे का नाम लेते हैं। अन्यथा अगर मान लो तेज सिंह का जो नाम लिया है, जिन्होंने मारपीट की है, बांडेडा का जिन जो लड़के हैं गुजरों के, उन्होंने पत्रकार के साथ मारपीट की है, उन्होंने खुल के नाम लिया है, तो उस पुलिस वाले के ऊपर भी यानी जांच होनी चाहिए कि भाई तेरा नाम एक बदमाश इस तरीके से क्यों ले रहा है, पत्रकार के साथ मारपीट की है, इसमें आपका भी नाम जुड़ा हुआ है, ये भी जांच का विषय है। करदार जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जांच का विषय तो है, लेकिन इसमें बात ये उठ रही है कि आपने भी बताया है कि इसे पुलिस वाले भी सम्मिलित बताए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की भी अंदरूनी कलह देखने को मिल सकती है, क्योंकि देखा जाए तो उसके ऊपर ना कार्रवाई की गई अवैध निर्माण के ऊपर और ना ही कुछ। अगर ये संतोषपूर्ण जवाब पहले ही मिल जाता तो आज पत्रकार के साथ में ये मारपीट देखने को नहीं मिलती। लेकिन अब आगे क्या हो सकता है, आप इसके बारे में बताइए कि अगर एक पत्रकार के साथ में मारपीट हुई, उसने इसमें FIR दर्ज करवाई लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आप बताइए कि इस बारे में क्या कुछ रहना चाहिए? देखिए मैं बताऊं, कार्रवाई भी होगी, प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी पूरा भरोसा है पत्रकारों को। नहीं, आपने भी बताया कि जैसे कांग्रेस के ही वहां पे विधायक लगे हुए हैं गजराज खटाना, और कहीं ना कहीं इन सबकी यहाँ पे मिलीभगत का आपने भी बताया, तो अगर वहां पे प्रशासन ही इनके खिलाफ में है तो कार्रवाई कौन करेगा? देखिए मैं बता दूं, बदमाश यानी किसी के का भी नाम ले सकते हैं कि विधायक हमारा है, इस जातिवादी शब्द भी काम में लेते हैं वो लोग, और पुलिस वाले भी हमारे हैं, लेकिन ऐसा साइज नहीं है, पांचों उंगली बराबर नहीं होती, यानी पुलिस प्रशासन और यानी ये किसी के बंधे हुए नहीं होते, कभी कांग्रेस सरकार तो कभी बीजेपी सरकार, जो पुलिस के सामने जो सच्चाई आएगी, जो जांच में जो दिखाया जाएगा उसके आधार पर कार्रवाई भी की जाएगी।
पुलिस पर पूरा भरोसा है और बाकी भी जो सीओ साहब है उन पर भी पूरा भरोसा है कि वो आखिरकार पत्रकार को न्याय दिलाएंगे। अगर इस कड़ी में पत्रकार को न्याय नहीं मिलता है तो मैं ये कहता हूँ बांदीकुई के पत्रकार नहीं पूरे राजस्थान के पत्रकार जो राजस्थान के पूरे पत्रकार हैं वो भी यानी ज्ञापन देंगे, गहलोत सरकार को भी ज्ञापन देंगे, खुद यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी ज्ञापन देंगे और हड़ताल भी करेंगे जरूरत पड़े तो। लेकिन ये पत्रकार एक पत्रकार पर उंगली नहीं उठी साहब, ये पूरे राजस्थान के पत्रकारों का सवाल है। करतार जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पूरे राजस्थान के पत्रकारों का सवाल है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मामला है ये पहले का बताया जा रहा है कि पूर्व में भी उनके साथ में मारपीट की गई और अब भी की गई, तो जब पहले ही कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में आप कैसे कह सकते हैं कि कार्रवाई की जाएगी? देखिए ये सवाल नगर पालिका पे खड़ा होता है बिल्कुल, जब ये पूरा यानी कटला पूरा जो यानी मार्केट जो बना हुआ है पूरा अवैध बसा हुआ है बिल्कुल, नगर पालिका को यानी नगर पालिका के जो यानी ईओ साहब है उनको तुरंत संज्ञान में मामला लेना चाहिए। अगर ये पुराना मामला है मतलब उसी समय कार्रवाई कर देते तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। पत्रकार सच्ची खबर करता है दिन रात यानी सर्दी में जाकर खबर उठाता है, सच्ची आवाज उठाता है, उस आवाज को यानी ये दबंगा जो गुंडेगर्दी जो मचा रखी है लोग दबा देते हैं और प्रशासन यानी हाथ पे हाथ रखकर बैठा हुआ है। भाई ऐसा क्यों? नगर पालिका के ईओ साहब मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ये कटले को पूरे को ध्वस्त करिए, क्योंकि अगर अवैध है तो इसको यानी निर्माण को पूरा ध्वस्त करिए, पूरी तरह गलत बसा हुआ है और ये कभी जमींदार के नाम बोलता तो कभी नगर पालिका के नाम। क्या भाई ये सरकारी यानी जो दफ्तर जो बना हुआ है दस्तावेज आपके सामने रखे हुए क्या सिर्फ दिखावा के है क्या? पत्रकार अपनी खबर उठाएगा आवाज उठाएगा, मारपीट करने के बाद भी आप पत्रकार की आवाज को नहीं दबा सकता। मैं भी एक पत्रकार हूँ, मैं भी ज्ञापन दूंगा, मैं भी हड़ताल करूंगा अगर इस पत्रकार को अगर न्याय नहीं मिला। बिल्कुल करतार जी, अब इसमें देखने की बात यही रहेगी कि क्या इसमें न्याय मिल पाता है या नहीं और इसमें कार्रवाई होगी या नहीं होगी, यह हम आप सभी को हमारी अगली रिपोर्ट में जरूर बताएंगे या फिर पत्रकारों का धरना प्रदर्शन इसमें देखने को मिलेगा, इन सभी से आप सभी को अगली रिपोर्ट में जरूर रूबरू कराएंगे। फिलहाल के लिए न्यूज 19 में इतना ही, बने रहिए, नमस्कार।